नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंजागर और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन डिटेल की। आपको पता है कि सभी का गैस कनेक्शन जरूर होता है, किसी न किसी के एलपीजी गैस कनेक्शन जरूर होगा। दोस्तों एलपीजी गैस कनेक्शन में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपका एलपी गैस कनेक्शन है तो आपका एक बड़ा अपडेट, क्योंकि अगर आपने इस अपडेट को मिस कर दिया ना तो आपका गैस कनेक्शन जो है वो रद्द किया जा सकता है। साथ साथ आपको जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है वो तो मिलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो आपको इस अपडेट को पूरा जानना है, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एचपी गैस इंडियन या भारत किसी का भी आपका जो अपडेट आया उसे कैसे आप लाइव घर बैठे कर सकते हैं। तो सर पूरी डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पूरी डिटेल के लिए दोस्तों हम आ चुके हैं जागरण के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर देख सकते हैं एक आर्टिकल दिया हुआ है, एलपीजी गैस कनेक्शन 1 जून को बंद हो जाएगा, गैस कनेक्शन सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, फटाफट करवा लें ये काम। एलपीजी गैस ईकेवाईसी गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। रसोई गैस उपभोक्ताओं को अब 31 मई तक ईकेवाईसी करवानी होगी। अगर 31 मई तक ईकेवाईसी नहीं करवाई गई तो उन्हें गैस आपूर्ति नहीं होगी, इसी के साथ सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जल्द से जल्द ईकेवाईसी करवा लें। ये पूरा डिटेल दोस्तों आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है कि 31 मई 2024 के पहले आपको अपने गैस कनेक्शन की, किसी भी प्रकार का आपके गैस कनेक्शन क्यों ना हो, आप इंडियन गैस के उपभोक्ता हों, एचपी को भारत के हों, आपको गैस ईकेवाईसी जरूर करानी है। तो ये तो अपडेट हो गया। अब गैस ईकेवाईसी आपको करानी कैसी है, आपको दोस्तों माई एलपीजी, आप ये काम मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप दोनों से कर सकते हैं। अपने ब्राउजर को ओपन करना है और माई एलपीजी सर्च करना है तो आपको पहला ही वेबसाइट मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर देखने को मिलेंगे। ये इमेज तो लोड अभी नहीं हुई है, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 सिलेंडर आ चुके हैं, भारत का, एचपी का और इंडियन का। आपका दोस्तों जिस भी गैस कनेक्शन, जिस भी कंपनी में गैस आपका कनेक्शन हो उसी सिलेंडर पर क्लिक करना है। तो मैं जैसे एग्जांपल ले रहता हूँ भारत गैस का, तो भारत गैस पर अगर आपके पास कनेक्शन है इस पर क्लिक करें। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आप न्यू यूजर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कंज्यूमर नंबर चाहिए, ये आपकी गैस पासबुक में लिखा होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आप दोस्तों आवेदन करते हैं, जिससे आप अपना सिलेंडर बुक करते हैं वो डालकर कंटिन्यू करके यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दोस्तों फिर से साइन इन वाले बटन पर आ करके अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया है वो और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा, आपकी सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी जो कि मैंने हाइड कर रखी है, देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको केवाईसी ऑनलाइन करना है तो इसके लिए देख सकते हैं सबमिट केवाईसी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर केवाईसी अपडेशन बाई कनेक्शन, देख सकते हैं नॉर्मल कनेक्शन है। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका डिटेल दिखेगा, नाम वगैरह क्या है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैरिड है और स्पाउस नेम वगैरह सब दिखेगा, जो कि मैंने चीज़ें दोस्तों हाइड कर रखी हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। आपको नीचे आना है, एड्रेस फॉर एलपीजी कनेक्शन, अब दोस्तों यहाँ पर एड्रेस का डिटेल आपको भरना होगा। तो आप एड्रेस अगर यहाँ पर जो भरा है वो दिखाई देगा, तो यहाँ पर अगर कुछ गलत है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप पर आना है, थर्ड स्टेप अदर रिलेटेड डिटेल, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ ऑफ आईडी वगैरह सब कुछ आपका डिटेल भरा होगा, आपके जो भी राशन कार्ड नंबर वगैरह उसमें कितने मेंबर्स हैं वो सब यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद नीचे आना है, आपका आधार नंबर पड़ा होगा, रीजन फॉर फिलिंग ऑफ केवाईसी, आपको यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस चेंज, केवाईसी नॉट अवेलेबल, केवाईसी फिल 2 ईयर बैक, किस कारण से आप केवाईसी करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और डिक्लेरेशन देकर अपडेट केवाईसी पर क्लिक कर देना है। काइंडली प्रोसीड फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड कराएगा। सारा डिटेल के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों देख सकते हैं आधार कार्ड आपसे यहाँ से अपलोड करा रहा है, तो जहाँ पर भी आधार कार्ड रखा हो उसको यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड करना है। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर आपका आधार कार्ड मिनिमम जेपीजी जीपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, 300 KB से ज़्यादा ना हो, उसका विशेष ध्यान रखें। तो ये देख सकते आधार आ चुका है, अपलोड पर आपको क्लिक करना है। आधार अपलोडेड सक्सेसफुली, देख सकते हैं यू हैव अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, प्लीज क्लिक फिनिश टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है।
केवाईसी सबमिटेड सक्सेसफुली विद द रिक्वेस्ट आईडी, दिस योर डिटेल विल बी अपडेटेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ योर केवाईसी एंड डॉक्यूमेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटर एंड द कंफर्मेशन विल बी सेंड टू योर ईमेल, थैंक यू फॉर चूजिंग भारत गैस। देख सकते हैं यहाँ से आप घर बैठे दोस्तों केवाईसी कर सकते हैं। मैंने भारत गैस का आपको एग्जाम्पल बता दिया, आप एचपी एंड डेन का भी कर सकते हैं, उसी के लिए भी आपको वहीं माई एलपीजी वाले ऑप्शन पर जाकर के दोस्तों करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। आपको दोस्तों मैंने भारत गैस का केवाईसी लाइव करके दिखा दिया है। अगर आप इंडेन या एचपी किसी अन्य गैस का केवाईसी करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपका इंडेन एचपी गैस का केवाईसी ऑनलाइन ना हो रहा हो, तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करके आप आसानी से अपने एलपीजी गैस कनेक्शन का केवाईसी ज़रूर कराएं, अन्यथा आपके गैस कनेक्शन या आपकी सब्सिडी बंद की जा सकती है। ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।